हर मोर्चे पर, हर जगह, हर स्थान पर फेल हो गया। आज लाखों युवा सड़कों पर है हेमंत सोरेन जी के चलते। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, जिनको नौकरी मिली थी उनकी भी जान आज संशय में फंस गई है हेमंत सोरेन जी के गलत नियोजन नीति के चलते। मुस्लिम प्रेम, उर्दू प्रेम के चलते आज लाखों युवा सड़क पर है। हेमंत सोरेन जी को चेतना चाहिए था, विपक्ष चेता रहा था, लेकिन ये उर्दू प्रेम में इतने अंधे हो गए थे, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए इतने अंधे हो गए थे कि ये आज नौजवानों के साथ बहुत बड़ा छल करने का काम, धोखा देने का काम, ठगने का काम हेमंत सोरेन जी ने, जिसके चलते आज लाखों युवा सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और कल देखिएगा पूरा रांची में भी आपको सड़क किनारे युवा ही युवा नजर आएंगे। मुख्यमंत्री को लोकसभा में जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया भाजपा के द्वारा, जो विरोधी लोग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं विधानसभा के लिए चुन करके आया हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए नहीं है। मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। लोकसभा में क्या हो रहा है लोकसभा के सदस्य बताएंगे, लेकिन झारखंड लूटा जा रहा है, हम लोग शांति से बैठेंगे ऐसा होने वाला नहीं है। और कल नियोजन नीति पर और धारदार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़े, समर्थन करते हैं, शुरू से कर रहे हैं। हम लोगों तो सदन में बोल उठ करके हम लोगों ने कहा, लेकिन ये राज का विषय है, राजसूची का विषय है। आपने क्यों इसको नवी अनुसूची में केंद्र को भेजा? नियोजन बनाना, नौकरी देना, यह राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के युवाओं के साथ छल किया है, नवी अनुसूची में भारत सरकार को, केंद्र को भेजकर। कल जो मुख्यमंत्री चिट्ठी भेजे हैं राज्यपाल, ये मुख्यमंत्री केवल ढकोसला कर रहे हैं भाई। आप देखिए ना, रघुवर दास जी ने बनाया नियोजन नीति, कहाँ भारत सरकार को भेजा था? बाबूलाल मरांडी जी ने बनाया नियोजन नीति, कहाँ भेजा था केंद्र को? अर्जुन मुंडा जी ने बनाया नियोजन नीति, कहाँ भेजा था केंद्र को? आप क्यों नियोजन नीति पर भेज रहे हैं? आप 1932 भाजपा भी आपके साथ खड़ी है, आप यही 1932 का खतियान आधारित बना दीजिए, क्या दिक्कत? आप क्यों भेज रहे हैं नवी अनुसूची में? नवी अनुसूची का ये सब्जेक्ट ही नहीं है। जितने विद्वान हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार इसको बना सकती है, लेकिन ये जानबूझ करके गेम कर रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और यही युवा कल हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंक देगा, हेमंत सोरेन को पानी नहीं मिलेगा इस झारखंड में।